तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रॉयल शक्ति व्लॉग। तो घर से मैं बहुत अच्छी तरह आई थी, वन ठन के लहंगा लुगड़ी पहन के। फिलहाल निया ने मेरा बहुत बुरा हाल किया हुआ है, क्योंकि ये लड़की ना तो टिकती है। तो लहंगा लुगड़ी पहन लिया, इसका मतलब हम गाँव ही जा रहे हैं, क्योंकि कल है निया का बर्थडे। तो पीछे देख रहे हो, नींबू चटका रहा है। इसको तो सभी जानते हैं, नहीं इसको तो जानते ही है। इसमें से चढ़ने से पहले मैं मैगडी ढूंढ रही थी, हमेशा ढूंढती हूँ ना, अच्छा लगता है ना खाने का कुछ हो जाता है। तो पापा कैसे डराता है? सोनम तू डरा इसको पहले एक बार। इस लड़की की हालत देखना एक बार। ये कह रही है कि मेरे को जब तक मैकडी से कुछ निकलाएगा ना, जब तक मैं देखो डायपर लेके हाथ में बैठी है। जितनी जल्दी शादी उन सब उतनी जल्दी इन सब चीजों से छुटकारा मिल जाता है। ये देखो आपके बच्चे इस तरह से स्टंट मारेंगे, कपड़े पहनेंगे नहीं, नंगे डोलेंगे, फिर बीमार हो जाएंगे। तो गाइज हाईवे पे ना बहुत बढ़िया खुल गई भाई खाने की फैसिलिटीज। और अभी मैकडी इधर है और सामने उधर पेट्रोल पंप है, उधर भी भाई डोमिनोज वगैरह खुल चुका है। तो ये बहुत अच्छी चीज होगी, इस जैसे बंदों के लिए ना बहुत आराम हो गया। तो गाइस बाहर का मौसम बहुत ही औसम हो रखा है, और अभी देखो पीछे पार्किंग में हमने गाड़ी लगा दी है और अभी लेकर आते हैं। तो गाइस अभी हम ऑलमोस्ट भाई राजगढ़ पहुंचने वाले हैं, और देखो सामने सनसेट कितना प्यारा हो रहा है। और ये जो लड़की है ना, ये लड़की आज सोई नहीं है, देखो अभी भी खेलने में लगी हुई है। क्यों नहीं सो रही सोनम? मैं आज ये कह रही हूँ। तो गाइज अभी हम पहुंच गए भाई राजगढ़। अब क्या करना है यहाँ से लेना है निया का केक। क्या क्या मिलता है उसका पहले ऑर्डर देना पड़ता है, और हमें चाहिए कल। So guys, हम गांव आ गए फाइनली, और अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम ले केकड़ा बन, जब जाके चॉकलेट मिले केकड़ा बन। ये केकड़ा बन गया तो पापा को पूछी सारा दे दे, मम्मा को भी देकर आओ जाओ। चॉकलेट चाहिए तो मम्मा को पूछी दो। घर से चले थे कम से 2:30 बजे बजी जाते हैं बच्चे के साथ पे, तो हम कंटिन्यू करेंगे व्लॉग कल, मतलब कल सुबह। हाँ, तेरे को ठंड कैसी महसूस हो रही है? यार कम लग रही है, या तो मैंने स्वेटर पहन रखा है पर थोड़ी कम लग रही है, दिल्ली से तो बहुत कम है यार। सो गुड मॉर्निंग गाइस, और कल हम ट्रैवलिंग में इतना थक गए थे। सो आज है निया का बर्थडे, और निया के बर्थडे के लिए मुझे बहुत सारी डिशेस तैयार करनी है। एंड मेरे पास एक ऐसी चीज है जो मेरी इन डिफरेंट डिशेस को तैयार करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक किचन अप्लायंस जो आपके किचन में होना ही चाहिए, इसलिए मैं यहाँ बात कर रही हूँ अगारो के 6-in-1 हैंड ब्लेंडर की। गाइज मेरे पास है अभी अगारो हैंड ब्लेंडर का मेन यूनिट, मेन मोटर। ये 1000 वाट की मोटर 2 साल की वारंटी के साथ आती है। ये ग्रे एंड ब्लैक कलर की है। एंड गाइज इसमें आप स्पीड रेगुलेट कर सकते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम आप यहां से स्पीड रेगुलेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड यहां पे आपको 2 बटन मिल जाते हैं, जो आप विस्किंग, चॉपिंग, ब्लेंडिंग करते हो उसके अकॉर्डिंग आप इसे यूज कर सकते हो। टॉप बटन में वेरिएबल स्पीड है, जिसे आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, और सेकंड बटन है टर्बो बटन, जो ऑलरेडी बहुत फास्ट काम करता है। सामने देख सकते हैं कि काफी सारे अटैचमेंट है, इन अटैचमेंट के बारे में आपको बताऊंगी। तो गाइस सबसे पहला अटैचमेंट है विस्किंग, तो आप इसको मेन यूनिट में सेट कर सकते हो इस तरह। एंड फ्रॉदिंग के लिए आप ये वाला अटैचमेंट यूज कर सकते हैं, सेम इसी तरह आपको सेट करना है। आपको जब भी कोई फ्रूट या वेजिटेबल ब्लेंड करना होता है, तो आप इसको इस तरह से यहाँ से हटा देंगे, एंड आपको ये वाला अटैचमेंट फिक्स करना है इस तरह से, एंड ये आसानी से रिमूव भी हो जाता है। एंड गाइस आपको यहाँ पे एक चॉपिंग बाउल मिल जाता है, जिसकी कैपेसिटी है 1250 ml, तो आप कोई भी वेजिटेबल इसमें आसानी से चॉप कर सकते हो। एंड गाइस ये है इसका स्लाइसिंग अटैचमेंट, इसे चॉपर में रख के आप कोई भी वेजिटेबल स्लाइस कर सकते हो। ये अगारो का ग्रैंड प्लस 6-in-1 हैंड ब्लेंडर, ये इसीलिए 6-in-1 है क्योंकि इसमें 6 चीजें आप एक साथ कर सकते हो, जैसे ब्लेंडिंग, चॉपिंग, विस्किंग, फ्रॉदिंग, श्रेडिंग एंड स्लाइसिंग। तो गाइस सबसे पहला अटैचमेंट है मेरा ये, और अभी मैं आपको इसे ब्लेंड करके दिखाऊंगी। तो गाइस मैं अभी बनाने जा रही हूँ टमाटो सूप, और इस हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं ये सब करूंगी। तो गाइस ये अटैचमेंट यहाँ पे मैंने लगा लिया, फिक्स कर लिया। गाइज आप देख सकते हैं टमाटो की कितनी अच्छी सी प्यूरी बनके एकदम तैयार हो गई है। आप इसको किसी भी सब्जी बनाने में या फिर टमाटो सूप बनाने में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अटैचमेंट है मेरा ये, इसे मैं विस्किंग के लिए यूज करूंगी। गाइज नेक्स्ट मैं इस अटैचमेंट के साथ विस्किंग करके दिखाऊंगी आपको। ये वाला अटैचमेंट इस तरह से फिक्स कर लेना है अगेन, एंड दैट्स इट। गाइज मैंने यहाँ पे 5-6 दिन की मलाई इकट्ठी की हुई है, तो मैं इस मलाई से आपको विस्किंग के थ्रू मक्खन निकाल के दिखाऊंगी। तो मैं इसे बड़े से बाउल में ले रही हूँ।
सो गाइज मैंने सिर्फ इसको 5 मिनट फेटा है तो, बट थोड़ी देर के अंदर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा, देखो ये मक्खन तैयार हो गया हमारा, बहुत ही सही लग रहा है, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा ब्लेंड हुआ है। एंड गाइज नेक्स्ट अटैचमेंट से मैं फ्रॉदी तैयार करूंगी। गाइज कैपुचिनो वाली अच्छी सी कॉफी पीने के लिए जो झाग आपको पसंद आते हैं आप इसमें ये सेट करके अच्छे से झाग बना सकते हैं। तो मैं अभी आपको उसका डेमो देके दिखाती हूँ। यहाँ थोड़ी सी कॉफी ले लूंगी एंड थोड़ी सी चीनी देन थोड़ा सा दूध। ये अटैचमेंट बहुत ही कमाल का है, थोड़ी देर में इसे झाग बन जाएंगे, अच्छी सी फ्रॉदी बन के तैयार हो जाएगी। तो मैं दिखा देती हूँ। गाइस देख सकते हो अच्छा सा फॉर्म ऊपर आ गया है, अच्छे से झाग तैयार हो गए हैं। अब इसमें मैं हॉट मिल्क ऐड कर दूंगी एंड ये हमारी हॉट सी कॉफी बनके तैयार है। सेम प्रोसेस आप कोल्ड कॉफी के लिए भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अटैचमेंट है हमारा चॉपिंग कंटेनर। तो मैं यहाँ पे आपको कोई भी वेजिटेबल कट करके दिखाऊंगी, आपको इसे इस तरह से ओपन कर लेना है। यहाँ आपको स्टेनलेस स्टील ब्लेड मिल जाती है जो बहुत अच्छे से चॉप कर देती है। यहाँ पे थोड़े से अनियन डाल रही हूँ, इस ब्लेंडर को इस तरह से फिट कर देना है। देख सकते हैं आप कुछ ही सेकंड्स में अनियन कट हो गए हैं। आप जितना स्पीड में जैसे भी कट करना चाहे, छोटे बड़े जैसे, इतना प्यारा कटा हुआ है। आप ये देख, लास्ट अटैचमेंट है मेरा स्लाइसिंग अटैचमेंट। तो यहाँ आपको स्लाइस करके दिखाऊंगी किसी भी वेजिटेबल के। आपको यहाँ इसको फिक्स कर लेना है, लॉक कर देना है, तो ब्लेंडर को यहाँ रखना है। थोड़ी सी गाजर ली हुई है, मुझे इसके स्लाइस करने हैं, तो कुछ नहीं करना, मैं इसको ऐसे डाल दूंगी एंड देन आपको यहाँ से प्रेस करना है। तो कंटेनर में आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड्स लगे मुझे, यहाँ पे अच्छे से स्लाइस हो गए हैं। खोल के दिखा देती हूँ, ये देखो प्यारे स्लाइस हुए हैं। हर इसका अटैचमेंट बहुत यूजफुल है। ऐसे आपने देखा ये सारे ही अटैचमेंट, मैं तो कहती हूँ ये हैंड ब्लेंडर बहुत ही काम का है। आप किचन का काम कुछ चुटकियों में कर सकते हैं। सो गाइज मुझे तो बहुत यूजफुल लगा पर्सनली। सो आपको कैसा लगा कॉमेंट जरूर करना। सो गाइज इस अगारो के 6-in-1 हैंड ब्लेंडर का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जाके चेक करो। गाइज अभी सुबह का टाइम हो गया और मैं भाई गाँव के अंदर तो ऐसी बात है कि 7 बजे उठ जाता हूँ, और दिल्ली के अंदर कोई मुझे मार मार के भी उठाए ना तब भी नहीं उठ पाता, चाहे रात को मैं 12 बजे सो, 2 बजे सो, 3 बजे सो, लेकिन यहाँ का ऐसा सीन है कि सुबह जल्दी उठना ही उठना पड़ता है। गाड़ी के ऊपर देखो भाई पूरी धुंध जमी हुई है और धूप निकली हुई है, धूप को निकले हुए काफी टाइम हो गया। और ये अच्छी चीज है कि यहाँ धूप बिल्कुल टाइम से निकल जाती है, दिल्ली के अंदर तो धूप देखने को ही नहीं मिल रही थी कई दिन से। गाइज आज निया का बर्थडे है और ये भाई अभी प्रिपरेशन करना, सुबह सुबह से स्टार्ट करना पड़ेगा, जब जाके शाम तक काम खत्म होगा। और ये व्लॉग 2-3 पार्ट के अंदर हो सकता है क्योंकि आज पूरा दिन वीडियो बनने वाली है और आपको मस्त वाले डांस भी देखने को मिलेंगे, सब चीज मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक आपको जरूर देखना है और न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइज सुबह सुबह का मौसम देखो भाई कितना प्यारा हो रहा है गाँव का, और अभी भाई खुद के काम खुद ही करने पड़ते हैं भाई गाँव के अंदर। इसके बाद भाई जाऊंगा राजगढ़, वहां से कुछ सब्जी और सामान वगैरह भी लेकर आना है। तो गाइज अभी हमें मेन सुरैर गांव के अंदर, और यहां पे भाई हमारे पुराने घर थे, पहले हम लोग यहीं रहते थे अंदर, और पर बाद में जाके भाई पता नहीं दादा को क्या सूझी अंदर जाके बस गए। मैं अभी आया हूँ भाई, अपनी यहाँ के केक लिया है, सारी चीजें लिया है, और ये देखो ये भी रेडी हो चुकी है। और आपको दिखा दो भाई, देखो डेकोरेशन वगैरह सारी लग चुकी है, देखो लड़िया लग रही है। और अभी सामने से आपको जाके दिखाऊंगा। और ये तू नाली, मैं नाली निया नहीं नहाई, बर्थडे कर ली नहाई अभी। आज निया को दादी नहलाएगी, ठीक है, आज निया का बर्थडे है, नंगू को पहले नहलाते हैं फिर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। गाइस अभी नहा धो के हो चुके हैं हम बिल्कुल रेडी, और आप देख सकते हो मेरे पीछे की डेकोरेशन वगैरह सब कुछ चालू है। और भाई अभी देखो खाना वाना सारी चीजें चालू है, देखो आप वहाँ देख सकते हो, देखो खाना बन के रेडी हो रहा है। और ये लाइट है देखो, सारे मकान पे चारों तरफ लाइट लग गई है। आगे चल के अभी आपको डेकोरेशन दिखाऊंगा मैं। गाइस अभी हम खीर बना रहे हैं, खीर वाला हमने लिया है थोड़ा सा, तो भोग के लिए हम खीर बना रहे हैं और माल अलग बन रहा है। वो हलवाई बना रहे हैं। हाँ क्या क्या बना रहे हैं, घर वाले बना रहे हैं। क्या क्या बना रहे हो आज आप? छप्पन भोग, गुलाब जामुन, खीर और क्या बोलते हैं वो, पुड़ी, गुलाब जामुन, खीर, पुड़ी और क्या इसके अलावा भी थोड़ा चाहिए कोई, और हलवा और रसगुल्ला भूल गई आप? और रसगुल्ला, हाँ ये तो भूली मम्मी, पूरी बातें नहीं बताती है, ठीक है। मम्मी का स्टाइल मेरे को बड़ा मस्त लगता है, ठीक है ठीक है, क्योंकि मैं भी, हाँ मम्मी करे स्टाइल वालों की, मैं तो स्टाइल तो अच्छा लगेगा ही।